मैं चला हूँ अली से मुलाकात को, जिसकी थी यार जो वो घड़ी आ गई। अम्मा कुल्ले वलिये कल हुज्जत बिन हसन सलवातों का अलैहि वाला अबाई फियाज साथ वफी कुल्ले साथ वलियों व हाफिजों व काइदों व नासिरों व दलीलों व आईना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़कातों व तुमत्तियहु फिया तवीला। या रब मुहम्मद व आले मुहम्मद अज्जल फरज आले मुहम्मद रब सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। खुदाया बेहकल हुसैन जिक्र हुसैन अलैहिस्सलाम इस मजलिस नु कबूल ते मंजूर फरमा। मालिक अल्लाह जितने मोमन नजादार जितने कदम चल के आए हर कदम दे बदले अजरे अजीम अता फरमा। मालिक अल्लाह बानियान दी ये पूरी बिछाई अपने दरबार इस कबूल ते मंजूर फरमा। मालिक अल्लाह बवास शाह जी नु जवारे मासूमीन इच जगह अता फरमा। मालिक अल्लाह जितने बुजुर्ग आजादार इत्थे तशरीफ फरमाओ हर बुजुर्ग दा साया अपनी औलाद ते कायम ओ दायम फरमा। मालिक अल्लाह मेरे बुजुर्ग जाकिर सिदकर हुसैन शाह हमदानी मालिक अल्लाह इन्हां नूं सेहत कुल्ली अता फरमा। लखां करोड़ां दी इक्को दुआ इक्को इल्तजा हर दिल दी सदा बानीए फर्श अज़ा हुज्जतुल्लाह हुज्जत दौरान अल्लाह वलीउल असर बादशाह दे ज़हूर ताजील फरमा। दुआवां दी कबूलियत वास्ते मिल के बावाज़े बुलंद सलावात। है इजाजत जी मुख्तसर टाइम विच खूबसूरत जी नौकरी तुहाडे सामने पेश कीती जाए, फिर भी अपनी जबान नूं मुअत्तर करो सोहणी सलवात पढ़ो। नारे तकबीर इवें नहीं जिवें खालक अकबर दा नाम बुलंद बुलंद आवाज़ दे नाल जवाब दिओ। नारे तकबीर अल्लाहु अकबर नारे रिसालत या रसूल अल्लाह सुनिशिया साहिबान मिलके जवाब दिओ। नारे रिसालत या रसूल अल्लाह नारे हैदरी मातमी हाथ बुलंद करके जवाब दिओ। नारे हैदरी हुसैनियत यजीदियत मिलके बावाज़े बुलंद सलावात। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम बुलंद सलावात। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान रहीम आके बातुलिल मुत्तकीन वल जन्नतुलिल मवा हेलीन। दुनिया ये सोचती है कि क्या क्या अली का है। जिंदा सलामत रहो जिंदगी दराज हो। इतनी भी ठंडक नहीं है जितनी तुसी फील कीती बैठे हो। थोड़ा थोड़ा जबान नु हरकत देवनी है थोड़ा थोड़ा बोलने की कोशिश करनी है। दुनिया ये सोचती है कि क्या क्या अली का है। फिर सुनो पहले बंदे तो लेके आखिरी बंदे तक। दुनिया ये सोचती है कि क्या क्या अली का है जो लग रहा है सबको खुदा का अली का है। जो लग रहा है सबको खुदा का बोलो अली का है। जो लग रहा है सबको खुदा का अली का है। तुम ला
पर्दे डाल के बन जाओ खाद दैन। दीवार कह रही है कि काबा अली का जिंदा जिंदा सलामत रहो जिंदगी दराज बिस्मिल्लाह जिंदा सलामत बिस्मिल्लाह जिंदा सलामत रहो। प्रोग्राम कुछ हो रही लेकिन बनियान दा हुक्म है कि मुख्तसर टाइम प्यारा जी जश्न सुना दियो है इजाजत ना सारे बाबा जी जश्न शुरू करने से पहले जश्न होए मजलिस होए कोशिश होंदी मौला दे फरमान तू अपनी जश्न मजलिस दा आगाज कीता जाए। बंदा आ गया बाबा जी छेवें इमाम दे कोल तुहाडे मेरे छठे इमाम दे कोल एक बंदा आ गया सलवात पढ़ लना इमाम दी जात सारे मिलके बाबा जी बंदा आ गया उस आख्या मौला दुआ फरमाए अल्लाह मुझे जन्नत में दाखिल करे। के आख्या उस दुआ फरमाए अल्लाह मुझे जन्नत में दाखिल करे। फरमान मुख्तसर होंदे इन दे विच बहुत बड़ा मैसेज होंदे वेख्या जाए तां ए सिर्फ सुनया ना करो पढ़या ना करो इस नु जितना होए अगे डिलीवर कीता करो। उस आख्या मौला दुआ फरमाए अल्लाह मुझे जन्नत में दाखिल करें। लो जी आज की पूरी मजलिस पूरा जश्न मेरा इससे फरमान दे विच बांधे मौला तेरे मेरे इमाम ने मुस्कुरा के जवाब दिता जन्नत में तो तुम हो दुआ करो कहीं निकाल ना दिए जाओ। जिंदा सलामत रहो जिंदगी दर जन्नत में तो तुम हो दुआ करो कहीं। उस आखिया मौला केड़ी जन्नत है जिस विच असी फिर आने आ सानू नहीं पता इमाम दे कोल बैठ के गल पे करदे मारफत दी गल है ना वो कौन सी जन्नत है जिसके अंदर हम रह रहे हैं। तेरे मेरे इमाम ने मुस्कुरा के फरमाया वो जन्नत जिसके अंदर तुम रह रहे हो हम 14 की विलायत है। हच्चा के तायद करो हैदरी जिंदा सलामत रहो जिंदगी दराज हो कोई दुख ना देखो पहला पहला के सीधा पाक बीबी दी अजमत दा पढ़ना चाहना है इजाजत क्योंकि बीबी का जश्न कल परसों गुजरे तो उसी हवाले दे नाल एक सीधा बीबी दी अजमत था सोहनी सलवार पढ़ो बीबी दी इज्जत ते मान मजमा ढेरे आवाज बहुत घट है उच्च दिल ना सवाद सलवार पढ़ो ना सारे मिलके मेरी अकल से बोलन जारा की तो की रे है मेरी अकल से बोलन जारा की तो की रे है मेरी अकल से बोलन जारा की तो की रे है मेरी अकल से बोलन जारा की तो की रे है मेरी अकल से बोलन जारा की तो की रे है जिंदा सलामत रहो। पहले बंदे तू ला के आखिरी बंदे दा हच्चा के बोले हाजरी सर चावे मेरी अकल से हाँ जारा की तकीर है रिसालत के सब ख्वाबों की ये मासूमत बीर है जिंदा सलामत रहो। जिंदगी दराज होने कोई दुख ना वेखो पाक बीबी किस अजमत दी मालिक है किस शान और शौकत दी मालिक है हसनैन दी पाक अम्मा दा गल केड़ी पिया दा हसनैन बेटे ते शौहर है बाबा नबिया का भी नबी है। हाथ खोलो ना जिंदा सलामत रहो। जिंदगी दराज ने शेर मुकम्मल करना चाहना गल केड़ी पिया दा हसनैन बेटे ए चोर नबिया हो बाबा नबिया का भी नबिया ये हूरों की मलका ये परियों की रानी ये हूरों की मलका ये
परियों की रानी रसूल मुआज़्ज़म की ये निशानी सादात के खून में ज़ारा की तासीर है। अच्छा के अली जिंदा सलामत रहो जिंदगी दराज हो रहे कोई दुख ना वेखो बड़े जल्दी नाल बाबा जी हजरत आदम अलैहि सलाम जन्नत सैर करदे पे सैर करदे करदे ना चंद नावा ते निगाह पै गई खालिक कायनात ते सवाल कीता यार खालिक अल्लाह क्या मैं तेरा पहला नबी नहीं खालिक की आवाज आई बेशक आदम तू मेरा पहला नबी है। अच्छा मौला है फिर दसो ये केड़ियां हस्तियां जिड़ी मैं आदम तू भी पहले आई बैठ लिया बाबा जी बड़ा प्यारा सवाल कीते पाकल पाखाले की कहना थी आदम दे पास रे वेख के बड़ा प्यारा जवाब दे के ते गल केड़ी आखी है इन्हे की खात मैं दुनिया बनाई इन्हे की खात मैं जन्नत सजाई। जिंदा सलामत रहो बोलो जेड़े बोल सकदे हो जिंदा सलामत रहो। बड़ा प्यारा जवाब देते हर मोमन मवाली दा हां ठर वैसी ते गल केड़ी आकी ए इने की कात मैं दुनिया बनाई ओ इने की कात मैं जन्नत सजाई जे पैदा न होते तो कुछ भी न हो अगर ये न हो सर चले तो कुछ भी न हो कसम इनकी आदम तू भी ना हो इनको ना तुम भूलना ये पंज तन की तस्वीर है। जिंदा सलामत रहो जिंदगी दराज होने कोई दुख ना देखो जिंदा सलामत रहो। जनाब आदम ने दूसरा सवाल किया खालिक अल्लाह मालिक अल्लाह मैंने तो नबी बुला के भेजे इन्ना हस्तियां नु केड़े केड़े ओदे दे के भेजे नी सर चाओ गौर न गल सुन ली थोड़ी सर्दी दूर हो वैसी मालिक अल्लाह इन्ना नु केड़े केड़े ओदे दे के भेजे नी अल्लाह ने बाबा जी थोड़ा मीठा और तेज तेज खालिक के नाम दी पाक जवाब दे के ते गल केड़ी आखी है नबूवत भी इनकी रिसालत भी इनकी ओ खुदा भी है इनका इमामत भी इनकी। जिंदा सलामत रहो जिंदगी दराज उन्हें जवाब पूरा सुनने से गल केड़ी आखी है नबूवत भी इनकी रिसालत भी इनकी ओ खुदा भी है इनका इमामत भी इनकी मस्जिद भी इनकी शहादत भी इनकी मस्जिद भी इनकी सर जावे काबा भी इनका विलादत भी इनकी हकीकत में खुल दे भरी ज़ारा की जागीर है। जिंदा सलामत रहो जिंदगी दराज रहो कोई दुख ना बाबा जी नबी अपने पहले और आखिरी आज तू वापस वे बल दिन खुम्मे गदीर दे मैदान ते जे वेले नबी दे कदम पहुंचे ना बाबा जी खालिक कायनात दी आवाज सोना मोहम्मद इत्थे ही रुकवन मालिक अल्लाह हुक्म फरमाए आज ओ पहुंचा दे जेड़ा तेरे ते नाज़िल कीता गया बाबा जी नबी ने खालिक कायनात दा हुक्म मान के उठी स्टॉप कीता जेड़े पीछे आंदे पे उन्हां दा कीते इंतजार जेड़े आगे टर गए ना जनाब सलमान दी ड्यूटी लाई उन्हां नू पीछे बुला जनाब सलमान ने बन्ने उच्ची दे टिब्बे ते चढ़ के ना हकल मारी हाय अल्लाह खैर लमल आओ अमले खैर की तरफ बाबा जी वापस आए
ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਵਾਪਸ ਆਏ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਯਾਰ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਇਹ ਐਡੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਿਹੜੀ ਪੈ ਗਈ ਹੁਣੇ ਮਦੀਨੇ ਪਹੁੰਚ ਵਜੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਲਓ ਆ ਇੱਥੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਾਫਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਉਹ ਮੈਂ ਕਸੀਦੇ ਦੇ ਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਬਾਈ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ ਸੋਹਣੀ ਸਲਵਾਤ ਪੜ੍ਹੋ ਮੈਂ ਕਸੀਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ मन को तो मौला का ऐलान सुनाना है मन को तो बाबा तरशाह जी दुआ फरमा सो ऐलान सुनाना है मन को तो मोहम्मद मुस्तफा अपने पाक सहाबा के पास टेक के पिया दे फ्रंट लो आखरी सारे सर चाहो डर पे सजाना जिंदा सलामत रहो जिंदगी दरारों ने ये ताज विलायत का हैदर पे सजाना है उन्हें सवाल किया यार रसूल अल्लाह असा रोजे रखे नमाजा पढ़िया हज कीता लेकिन ये लफ्ज पहले कदा नहीं सुने जो है अला खैर नमल आओ अमले खैर की तरफ आज सलमान ने जो लफ्ज आखे ना इन दी तशरीह करो इसका तर्जमा करो साड़ी गल समझ तू बारे मुहम्मद मुस्तफा ने पाक सहाबा दे पास डिठा ते उना दी मुश्किल हल कीती ते गल केड़ी आखिए ऐलान ये आखरी है अब मेरी रिसालत का ऐलान ये अल्लाह वास्ते सर चावे की कुल बंदगी इसका नजराना है सकलन की सर चाहे अल्लाह वास्ते इसका नजराना है ये असल इबादत है आज का तो बहाना है याली याली जिंदा सलामत रहो कोई दुख ना देखो बाबा जी बड़ी जल्दी पे करना हो गए लाल मन को तो मौला दा हर बंदा ढेर खुश होए लेकिन जनाबे सलमान चौके खुश होए जनाबे सलमान एक एक बंदे नु मुबारकबाद पे देने एक एक बंदे नु मुबारकबाद देने नाल एक वसीयत ही करेंदे बैठे बाबा जी मुबारकबाद दे के वसीयत करेंदे बैठे सर चाहो दसावा वसीयत केड़ी गल केड़ी प्यार दे ज्यादा जल्दी हो नहीं सकती के हक का वली आया खुश बात है सल्ले आला हैदर सावसी पाया सब बढ़ के कदम चूमो घर जन्नत में जाना है सब बढ़ के कदम चूमो घर जन्नत में जाना क्यों जल्लत के लिए काफी इसका परवाना जेड़ा नहीं अली अली करदा 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 ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਅਲੀ ਅਲੀ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ
दसावा जेड़ा अली अली नहीं करदा हुंदा हुंदा क्या है बाबा जी पाक नबी दी पाक हदीस दा तर्जुमा मैं फरदे सालिश पेश पे करदा सर जाओ जेड़ा नहीं अली अली करदा जेड़ा नहीं अली अली करदा सजदे ओ भावे कदी सारे नु नचावे सजदे ओ भावे कदी सारे नु नचावे सोना चांदी भावे और आए खुदा लुटावे सोना चांदी सर जावे सफा मारे बादे विच भावे मारे जावे सफा मारे बादे विच भावे मारे जावे जन्नत दी खुशी बोली संग संग दा जेड़ा नहीं अली अली करदा आदरी जिंदा सलामत रहो जिंदगी अंदर आओ ने कोई दुख ना देखो आखरी शेर बाबा जी किसे हिंदू से सवाल कीता तू हिंदू हो के हुसैन हुसैन कर दे तू हिंदू हो के अली अली कर दे हुसैन तो नबी दा नवास है अली दा पुत्र जारा दा लाल है तू हिंदू हो के हुसैन हुसैन क्यों कर दे बाबा जी ने जवाब दिता कायनात की कीमत दा उसा के मुसलमान हो मैं तो नोरे इसका जवाब केड़ा देवा जेड़े वेले मैं चार दीवारी च वैना अपनी हवेली दे विच वैना मैं वेखण च सारीयां इक्को जइयां ए हुसैन तमीज सिखाइए ए हुसैन दसे जो ए माए ए भैणे बीवीए धीए बाबा जी हिंदू ने जवाब दिता है उसी गल दा तर्जुमा मैं शेर दे रंग पे करदा हिंदू ने मुसलमान दे पासे देख के गल केड़ी आखी है शुक्र अदा नहीं हो सकदा पाक अली दे पुत्र दा शुक्र अदा नहीं हो सकदा क्यों अली दे पुत्र दा सानू पहचाने रिश्ते हदी ए ऐसा ने सैयदा दा सानू पहचाने सच वेला वास्ते ऐसा ने सैयदा दा ए सजी मां